Hello dear students, our today's topic is retirement of partner, 12th accountancy, part 3. Last two part में हमने पढ़ लिया था introduction, retirement पे किस तरह की accounting problem आती है, जिसमें न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो का कंसेप्ट हमने पढ़ लिया था और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की डिस्कशन हमने कर ली थी. अब हम पार्ट 3 के अंदर हम बात करेंगे रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ फर्म ऑन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर. डेथ हो या पार्टनर रिटायर हो, उस वक्त रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है. क्या है ये रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्यों रिक्वायर्ड है ये अकाउंट, ये सारी डिस्कशन आप आज करने जा रहे हैं. सपोज इस चीज को अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं. सपोज एक्स वाई जेड ने कैपिटल कंट्रीब्यूट की 3 लाख और 2 लाख, 8 लाख कैपिटल कंट्रीब्यूट की इन्होंने, और इधर उससे प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी और कुछ कैश बैंक पड़ा है. सपोज 6 लाख, 1 लाख और 1 लाख, 8 लाख. ये इनका बिजनेस है, इनकी बैलेंस शीट कुछ इस तरह से है. इन्होंने बिजनेस में 8 लाख कंट्रीब्यूट किया, 3 लाख 3 लाख 2 लाख. सपोज इनका रेशियो भी 3:3:2 है. सपोज क्या हुआ, उस 8 लाख में से 6 लाख की मशीन खरीद ली, 1 लाख की बिल्डिंग खरीद ली और कैश पड़ा है 1 लाख. अब साल बाद क्या हुआ, ये सपोज उनकी पोजीशन है, ये जो प्लांट एंड मशीनरी है ना, प्लांट एंड मशीनरी वैल्यूड एट, सपोज इनकी प्लांट एंड मशीनरी जो है वो बढ़ गई है, सपोज वो हो गई है 14 लाख की ऑन वाइज रिटायरमेंट एट एंड ऑफ ईयर 1. फर्स्ट ईयर एंड में ही वाई इज गोइंग टू गेट रिटायर्ड. एक्स वाई जेड आर पार्टनर, इन्होंने 8 लाख लगाया था, मशीन खरीदी, लैंड खरीदी, कैश पड़ा है. उस 8 लाख में इनका रेशियो 3:3:2 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था. साल बाद क्या हुआ, वाई इज गोइंग टू रिटायर, वाई जाना चाहता है. वाई के रिटायरमेंट पे मशीन का मार्केट में रेट पता किया गया 14 लाख है, तो क्या वाई को आप 3 लाख दोगे तो वो ले लेगा, क्या वाई का शेयर 3 लाख रुपीज एक्सेप्टेबल होगा, वो नहीं लेगा. वो कहेगा भाई साहब ऐसे कैसे 3 लाख ले लूंगा, इस मशीन की वैल्यू तो पता करो, इस मशीन की वैल्यू जो है वो 6 लाख में 8 लाख एड होके कितनी होगी है, 14 लाख. लैंड एंड बिल्डिंग सपोज सेम रेट पे है 1 लाख, कैश बैंक साल के एंड में मान लो 1 लाख ही पड़ा है, तो वो कहता है भाई साहब हमारी अब 8 लाख रुपीस की कैपिटल नहीं, हमारी असेट्स कितने की होगी, 16, 8 लाख बढ़ गई, 6 वाली 14 की होगी, इसमें हिस्सा कौन देगा. तो ये जो प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटी, असेट्स एंड लाइबिलिटीज की रीवैल्यूएशन करके कितना प्रॉफिट आया, 8 लाख, क्योंकि एक असेट 14 की होगी 6 लाख वाली, बहुत ज्यादा महंगी होगी, कोई स्पेशल मशीन थी, मार्केट में शॉर्टेज होगी, या फॉर एग्जांपल क्या हुआ, ये मशीन जैपनीज या चाइनीज मशीन थी, बहुत अच्छी मशीन थी, बट क्या हुआ ड्यू टू कोरोना, क्या हुआ चाइनीज गुड्स पे बैन हो गया, चाइना से ट्रेड जो है वो बंद हो गया, मशीन शॉर्ट सप्लाई में होगी, मार्केट में रेट बढ़ गया, दैट्स वाई अब उसकी वैल्यू 6 से जो है राइट अप हो गई, 14 पे चली गई. तो 8 लाख का फायदा किनका है, तीनों का. तो इस 8 लाख के प्रॉफिट को कौन कौन शेयर करेंगे, एक्स वाई जेड तीनों. रेशियो क्या इनका, 3:3:2, तो 3 लाख 3 लाख 2 लाख. तो वाई का जो शेयर है ना, वाई फाइनल अमाउंट ड्यू
जो वाई को आपने पैसा देना है वो उसका वाई का कैपिटल का जो बैलेंस है वो तो देना ही देना है, कितने रुपए का है 3 लाख प्लस प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन शेयर भी देना है कितने रुपए का 3 लाख, यानी वो कितने पैसे मांग रहा है 6 लाख रुपए मांग रहा है। समझ आया ना कि वो असेट्स जो है बढ़ गई, अब घट जाती तो कम भी करता, लॉस आता मतलब वैल्यू डाउन हो जाती तो लॉस भी मैं काटता इसमें वाई में कैपिटल बैलेंस में से, प्रॉफिट है तो उसे देना भी पड़ेगा तब जाके हक जो हिसाब किताब है सेटल होगा वरना नहीं। तो रिवैल्यूएशन करने की, व्हाई रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ रिटायरमेंट एडमिशन और डेथ ऑफ पार्टनर। तो आपने ये एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी पढ़ा कि जब कोई नया पार्टनर आता है तो आप रिवैल्यूएशन इसलिए करते हैं कि सही बैलेंस शीट की असेट्स लायबिलिटी आ जाए तो उसको रिप्रेजेंट करते हुए कैपिटल का सही बैलेंस आएगा, उसके बेस पे न्यू पार्टनर को कहोगे ना कि हाँ तू इतना पैसा लगा कैपिटल का। बिल्कुल वैसे ही रिटायरमेंट में सही असेट्स और लाइबिलिटी की वैल्यू जानना जरूरी है कि रिटायरमेंट की डेट पे क्या सही पोजीशन है असेट्स और लाइबिलिटी की। अगर असेट्स बढ़ेंगी तो अच्छी बात है, फायदा है, लाइबिलिटी कम होंगी तो भी फायदा है। असेट्स की वैल्यू डाउन होगी जैसे कि बैड डेट्स या फिर वैल्यू रिडक्शन हुई तो लॉस, लाइबिलिटी इंक्रीज होंगी, कोई लाइबिलिटी बुक्स में है नहीं लेकिन पता लगा रिटायरमेंट पे जब हिसाब किताब किया तो पता लगा एक इलेक्ट्रिसिटी बिल देना बाकी है जो बुक्स में अनरिकॉर्डेड है, उसे बुक्स में लिखना पड़ सकता है लॉस। अनरिकॉर्डेड असेट्स भी हो सकती है, मान लो बुक्स में एक असेट लिखी नहीं लेकिन उसकी वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल एक पुराना कंप्यूटर है आपके पास, बुक्स में क्या कर दिया उसको राइट ऑफ डेप्रिसिएशन लगा लगा के, लेकिन जब एक पार्टनर रिटायर हुआ वो कहता है कि सर ये जो पुराना पीसी है इसे बेचेंगे स्क्रैप में तो ये भी 5-4 हजार रुपए का बिकेगा तो वो भी मुझे उसमें शेयर दो, तो कुछ भी अनरिकॉर्डेड असेट बुक्स में लिखोगे असेट बढ़ेंगी तो फायदा है, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्या है लॉस, असेट कम होंगी तो लॉस, लाइबिलिटी इंक्रीज होंगी तो क्या होगा लॉस। तो वो फायदा नुकसान जो है पार्टनर की कैपिटल को अल्टर करेगा वो उसमें एडजस्ट किया जाएगा, देन आफ्टर फाइनल सेटल्ड अमाउंट आना है कि पार्टनर वाई को क्या देना है, अदरवाइज वाई को जो अमाउंट पे करना है उस फिगर को आप क्या है एक्यूरेटली नहीं जान पाएंगे। तो रिवैल्यूएशन का कंसेप्ट आया ताकि जाने वाले का सही हिसाब हो सके। तो जाने वाले को कैपिटल का शेयर, गुडविल का ट्रीटमेंट आप पढ़ चुके हैं उसका शेयर, आगे हम पढ़ेंगे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट डिवाइड करने होते हैं वो भी देने पड़ते हैं जाने वाले पार्टनर को, और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब डिवाइड करना पड़ता है। इसको थोड़ा और अच्छे से क्लियर करने के लिए मैं जर्नल भी कर लूंगा, बैलेंस शीट एक्स वाई जेड की बैलेंस शीट मैं लिखता हूं कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। मैं कहता हूं लैंड एंड बिल्डिंग इधर 90,000 की है, प्लांट एंड मशीनरी 60,000 की है, डेटर 20,000 के हैं, कैश बैंक स्पोस 30,000 का है, इधर कैपिटल है तीनों पार्टनर की, इधर का टोटल कर लो आप फिलहाल 1-2 लाख हो गया, इधर भी 2 लाख होना चाहिए, एक्स की कैपिटल वाई की जेड की, तो एक्स वाई जेड की कैपिटल देख लो कितनी कितनी है, स्पोस इसकी कैपिटल जो है एक्स की है स्पोस 80,000, इसकी 60, इसकी 40, 180, और इधर क्रेडिटर है 20,000 रुपए के, तो ये 2 लाख 2 लाख एक बैलेंस शीट फॉर्मेट है। एक्स वाई जेड का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो स्पोस 3-1 है, वाई इज गोइंग टू रिटायर, वाई रिटायर हो रहा है, जब वाई रिटायर हो रहा है तो क्या उसको उसका शेयर 60 देंगे, नहीं, हम चाहेंगे कि लॉस है या फायदा ये चेक कर ले, कैसे उसे बताना पड़ेगा एडजस्टमेंट, जैसे कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग
रिटर्न अप बाय बढ़ गई, वैल्यू बढ़ गई बाय 20,000. प्लांट एंड मशीनरी रिटर्न अप बाय ये भी बढ़ गई. सपोज कह रहा है 15,000 ये बढ़ गई. हमें कह रहा है बैड डेट्स एस्टिमेटेड, पैसा डेटर का डूबेगा, हमें कह रहा है जी 7,000 डेटर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे. फिर कह रहा है, कहता है प्रोविजन फॉर रिपेयर रिक्वायर्ड, प्रोविजन फॉर रिपेयर बनाने की जरूरत है. सपोज हमें कह रहा है, सपोज ये कह रहा है 9,000 प्रोविजन फॉर रिपेयर. तो अपना यहां पे देखो तो 35 फायदा है, 7,000 का फिर लॉस हो गया है, 28 फिर 9,000 का एक लॉस हो गया है, 21 हमें कह रहा है कि एक अनरिकॉर्डेड असेट्स टू बी रिकॉर्डेड बुक्स में लिखी जाए 3,000. ये कुछ चेंजेस बताए इसने. अब मुझे इसको जर्नलाइज करना है, जर्नल एंट्रीज कैसे होंगी देखना. जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग रीवैल्यूएशन, ये कंसेप्ट क्या है ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटी. असेट्स एंड लाइबिलिटीज का रीवैल्यूएशन होगा. वैसे तो आप एडमिशन ऑफ पार्टनर के टॉपिक में पढ़ के आए हैं, बट फिर भी रिटायरमेंट में क्या होगा. सपोज के ये 3:1 इनका ओल्ड रेशियो है, इनका जो न्यू रेशियो है एक्स और जेड का वो जो है 4:3 है मान लो सपोज. तो गेनिंग रेशियो चाहो तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं. पर सुनो, रीवैल्यूएशन पास्ट का रिजल्ट है. वो पास्ट में जो असेट्स लायबिलिटी बैलेंस शीट में पड़ी हैं वो क्या हुई है, अप डाउन. तो ये पास्ट का जो रिजल्ट है ये सभी पार्टनर में शेयर किया जाएगा, यानी कि ये इसका न्यू या गेनिंग रेशियो से रिलेशन नहीं होता. देखो इसका सिंपल है, असेट्स इंक्रीज होंगी या लायबिलिटी डिक्रीज होंगी घटेंगी तो डेबिट. फायदा है टू रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट. असेट्स का बैलेंस कौन सा होता है बोलो, ये असेट्स का बैलेंस कौन सा है, डेबिट है ना. तो जब ओवर डेबिट करूंगा तो असेट्स विल इंक्रीज. लायबिलिटीज का बैलेंस आप जानते हो कौन सा होता है, लायबिलिटी साइड जो होती है वो क्रेडिट बैलेंस होते हैं, यहां सारे डेबिट होते हैं. तो असेट्स बढ़ेंगी तो क्या होंगी, डेबिट, और लायबिलिटी डेबिट होंगी तो वो क्या होंगी, कम. फायदा है दोनों में, असेट्स इंक्रीज हो या लायबिलिटी डिक्रीज, दोनों सिचुएशन में प्रॉफिट है टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. उल्टा भी हो सकता है लॉस, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स डिक्रीज्ड, असेट कम या लायबिलिटीज इंक्रीज्ड. ठीक, तो इस सिचुएशन में क्या हो सकता है अपने को, लॉस. ये प्रॉफिट है, गेन है, ये फायदे की सिचुएशन है, ये लॉस की सिचुएशन है. असेट्स क्रेडिट होना, असेट कम होंगी क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ेंगी तो क्रेडिट, तो ये नुकसान है. तो मुझे यहां देखना है कब कब असेट्स बढ़ रही हैं, कब कब असेट्स कम हो रही हैं, फायदा नुकसान कहां जाएगा. अगर इफ क्रेडिट साइड इज इन एक्सेस ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो वो क्या है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट है, फायदा होगा. क्यों, क्योंकि क्रेडिट साइड में रिवैल्यूएशन के सेट्स बढ़ेंगी या लायबिलिटी घटेंगी, डेबिट साइड में सेट कम होंगी या लायबिलिटी इंक्रीज होंगी, लॉस. क्रेडिट साइड मान लो 70,000, वैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं, ये नहीं मैं कर रहा अभी 70, और डेबिट साइड में मान लो कि ये है 55. तो आप देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में कितने गए. अगर यहां मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट यहां से रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊं तो मैं कहूंगा असेट इंक्रीज या लायबिलिटी डिक्रीज कितनी, असेट्स इंक्रीज या लायबिलिटी डिक्रीज कितने रुपए की, 70. असेट्स डिक्रीज, जो असेट्स कम हुई, असेट्स डिक्रीज या लायबिलिटी इंक्रीज
कितनी हुई 55, तो नेट प्रॉफिट कितना आ गया, एक नॉमिनल अकाउंट है ये, नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट साइड एक्सेस तो प्रॉफिट, डेबिट साइड एक्सेस तो लॉस, कितने रुपए का प्रॉफिट 15। ये प्रॉफिट पार्टनर के रेशियो में इन ओल्ड रेशियो बांट दिया जाता है, बैलेंसिंग फिगर उनके रेशियो में। तो इस तरह से ये जर्नलाइज कर सकते हैं आप, फायदा है कि नुकसान, फायदा हुआ तो आप रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बांट देंगे, किसके अंदर, ओल्ड रेशियो के अंदर सभी पार्टनर में। फायदा लॉस हुआ तो आपको रिवर्स करना होगा पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो मैं जान समझता हूं जहां तक कि आपने एडमिशन ऑफ पार्टनर का चैप्टर पढ़ा है, तो रिवैल्यूएशन वहां हमने किया अच्छे से और कोई प्रॉब्लम नहीं। फायदा लॉस वही ओल्ड पार्टनर में बढ़ना है, वहां पे भी यहां भी, पुराने रेशो ओल्ड रेशो में। तो आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, असेट्स बढ़े या लाइबिलिटी कम हो तो क्या होगा, फायदा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नरेशन में लिख देंगे बीइंग असेट्स एंड लाइबिलिटीज रीवैल्यूड, बस इतना ही काफी है। इधर भी बीइंग असेट्स और लाइबिलिटी रीवैल्यूड, जब ये एंट्री करेंगे फायदा नुकसान की, तो बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कहां ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल में, या लॉस आता है तो लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। इस तरह से आप एक हिंट देके उसे कर लेंगे। बोलो कोई डाउट इसमें, रिवैल्यूएशन अकाउंट की जर्नल। मैं अब जो क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है वो करके दिखाता हूं किस तरह से असेट्स लायबिलिटी कम ज्यादा हो रही है। ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया था, अब जो ये क्वेश्चन लिखा है मैंने बोर्ड पे, इसे कंक्लूड करके दिखाता हूं किस तरह से जर्नल एंट्रीज कर सकते हैं आप। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें लैंड एंड बिल्डिंग 20,000 से क्या हो गई है, राइट अप इंक्रीज हो गई है, फायदा है। तो लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ना एक अच्छी बात है, फायदा है, कितने रुपए से 20,000 से। प्लांट एंड मशीनरी भी बढ़ रही है, कितने से राइट अप है, कितने से अप हो रही है 15,000, फायदा है। बैड डेट से लॉस है, प्रोविजन से लॉस है, एक असेट्स बुक्स में लिखी नहीं गई लेकिन कहता है जी उसको रिकॉर्ड करो, जैसे कि कोई पुराना कंप्यूटर, तो आप अनरिकॉर्डेड एसेट्स, एसेट्स जो भी नाम है कंप्यूटर टाइपराइटर, ये बुक्स में लिखा नहीं पर इसकी वैल्यू है, जो जाने वाला कहता करो इसका भी हिसाब, तो 3,000 फायदा। तो ये कितने रुपए हो गया 38,000। तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट फायदा है, ये टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 38। नरेशन बीइंग असेट्स रिवैल्यूड, बस नेक्स्ट फायदा ना, मशीन बड़ी, बिल्डिंग बड़ी और एक बुक्स में असेट्स नहीं थी लिखो, वो लिख दी। ओके अब मुझे क्या कहता है, बैड डेट्स हो गए, सेट्स कम हो रही है, कितने रुपए से 7, तो ये लॉस है, कहां जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में, क्या टू बैड डेट्स, डेटर कम हो जाएंगे बैड डेट्स की वजह से, ब्रैकेट में बैड डेट्स लिख देता हूं, डेटर कम हो जाएंगे कितने रुपए से 7। इसकी डबल एंट्री भी की जा सकती, कुछ लोग इसको ऐसे भी करते हैं, पहले एंट्री डालेंगे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 7,000 टू डेटर्स, डेटर कम कर दो कितने से 7, फिर नेक्स्ट एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 7,000 टू डेटर्स। मतलब मैं तो करके बता रहा हूं, कई बार आप कंफ्यूज ना हो जाएं, दो बार में एंट्री करें तो कंबाइंड एंट्री की जरूरत नहीं, ऐसे कर लो बैड डेट्स टू डेटर, डेटर कम हो जाएंगे 7 से, बैड डेट्स एक लॉस है डेबिट, देन आफ्टर ये बैड डेट्स क्या रिवैल्यूएशन में डेबिट कर दो। तो आप इन दोनों की कंबाइन एंट्री ये कर सकते हो ना, रिवैल्यूएशन डेबिट टू डेटर्स, टू डेटर्स 7 कम कर दो, ये इसकी क्या होगी कंबाइन एंट्री तो होगी इसकी, यस डेटर कम। एक और बात, एक लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी कौन सी बढ़ रही है ध्यान से देखो, या सेट्स लाइबिलिटी कोई, हाँ एक लाइबिलिटी बढ़ रही है बैड डेट्स का, और ये प्रोविजन फॉर रिपेयर बनाना है, प्रोविजन कितने का बनाना है 9, कोई रिपेयर करवानी है, कोई गाड़ी है, कोई मशीन है या बिल्डिंग है टूट फूट गई है, उसकी रिपेयर करवानी पड़ेगी, इसलिए आप उसका 9 का क्या बना रहे हो प्रोविजन,
तो एक लॉस है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो लॉस होने से अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट। लायबिलिटी बढ़ेगी जब जब क्या होगी, क्रेडिट। लायबिलिटीज के बैलेंस क्रेडिट होते हैं, जब भी क्रेडिट करूंगा तो लायबिलिटी विल इंक्रीज, डेबिट करूंगा तो लायबिलिटी विल डिक्रीज। तो यहां लायबिलिटी बढ़ रही है, लॉस है, प्रोविजन फॉर रिपेयर कितने रुपए, प्रोविजन फॉर रिपेयर 9000। ये दोनों लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट में, बीइंग लायबिलिटीज रिवैल्यूड, बस असेट्स एंड लायबिलिटी रिवैल्यूड। अब आप देखो रिवैल्यूएशन क्रेडिट 38 से हुआ और डेबिट किससे हुआ, 38 और डेबिट हुआ किससे, देखो 35 प्लस 8 और माइनस 16, तो 22 का क्या आ गया यहां पे, प्रॉफिट। तो थोड़ी फिगर मैं कम ज्यादा कर सकता हूं, इसको 12 कर दूं, 13 कर देता हूं, 13 थोड़ा वो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, 13 लो, मैंने थोड़ा क्वेश्चन में चेंज कर दिया, ओके 13,000 का प्रोविजन दिखाया। अब देखो 38 और ये 20, तो 18 अभी भी रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड एक्सेस है, तो ये फायदा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने रुपए, 38 माइनस 20, 18,000 का क्रेडिट साइड एक्सेस है, तो ये क्या है, प्रॉफिट। किसमें बटेगा ये प्रॉफिट, 2x, 2y, 2z, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर ओल्ड रेशियो, इन ओल्ड रेशियो। तो ये प्रॉफिट 18,000 का क्या कर लो, ओल्ड रेशियो में शेयर कर लो, विच इज 3:1, ये 6 से करेंगे 9, 6 और 3, ये प्रॉफिट, प्रॉफिट पता लगा ना, रिवैल्यूएशन क्रेडिट है 38 से, डेबिट किससे है 20 से, तो इस तरह से 18,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट, और ये पार्टनर ने शेयर कर लिया। बोलो किसी को भी डाउट, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। वैसे इसका अकाउंट बना के दिखाना है तो इस तरह से बन सकता है, वैसे जर्नल बता ही रही है, जर्नल से दिख ही रहा है, लेकिन आप इसको अकाउंट शेप में देना चाहें तो बिल्कुल दे सकते हैं, कैसे देखना, देखो क्या असेट्स बढ़ेंगी, बाय लैंड एंड बिल्डिंग काउंट, बाय प्लांट एंड मशीनरी काउंट, बाय अनरिकॉर्डेड एसेट, जो अनरिकॉर्डेड एसेट वो कंप्यूटर, टाइपराइटर, कुछ भी हो सकता है, 20 ये बढ़ रहा है, 15 ये बढ़ रहा है, और 3000 ये असेट बढ़ रही है, फायदा। 2 डेटर्स अकाउंट, बैड डेट्स की वजह से डेटर कम हो रहे हैं, 7 ये लॉस है, 1 लायबिलिटी देना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर रिपेयर का खर्चा करना पड़ेगा, तो ये कितना है 13, तो आप देखो लॉसेस 20 के और प्रॉफिट्स कितने हैं 38, तो हमारा यहां से कंक्लूजन है कि क्रेडिट साइड कितनी एक्सेस है 18, ये क्या गया प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, ये प्रॉफिट जो है रिवैल्यूएशन का एक्स वाई जेड में शेयर करना है उनके रिस्पेक्टिव ओल्ड रेशियो में 3:1 में, 9000, 6000, 3, इसमें गेनिंग रेशियो और ओल्ड रेशियो का कोई, न्यू रेशियो का कोई यूज नहीं, क्योंकि पास्ट पीरियड से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, इसलिए ओल्ड रेशियो में ही जाएगी। जब जब लायबिलिटी इंक्रीज होंगी तो लॉस, 2 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, 2 प्रोविजन, 2 लॉस, असेट्स कम होंगी, स्टॉक, डेटर, जो भी असेट्स बढ़ेंगी या अनरिकॉर्डेड लिखेंगे या लायबिलिटी कम होगी तो क्या होगा, फायदा, फायदा क्या करेंगे, क्रेडिट, जो भी लॉस प्रॉफिट है पार्टनर की कैपिटल में एडजस्ट कर देंगे। तो अब देखो ये जो 18,000 है एडजस्ट कर दिया, अब वाई के अकाउंट में 6,000 ये गया, तो वाई फाइनल अमाउंट ड्यू टू वाई, अमाउंट पेबल टू वाई, वाई को कितने पैसे देने, एक तो कैपिटल का बैलेंस 60, जो कैपिटल का बैलेंस है वो 60 प्लस देना है रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट, वाई को कितना 6 रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, यानी उसके बाद उसका पैसा 66 बनता है, तो आपने 66,000 देना है, समझ आया, अमाउंट पेबल
कितना होना है, इज दैट क्लियर? इस तरह से ये पूरी पिक्चर क्लियर होती है कि रिवैल्यूएशन के बाद ही फाइनल पेमेंट पार्टनर की आ सकती है, नहीं तो फाइनल पेमेंट नहीं आएगी। वो सारा सेटलमेंट होना चाहिए, वो सेटलमेंट कैसे होगा ये आपने देखा। क्लियर? डाउट कोई इसके रिगार्डिंग? रिवैल्यूएशन जर्नल भी की, ठीक है, इस तरह से आप इसे कर सकते हैं, और क्वेश्चंस में भी देख लेंगे इसको, इस रिवैल्यूएशन को। एक मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन भी होता है, वो हालांकि प्लस टू लेवल के सिलेबस में कवर नहीं होता, लेकिन नॉलेज पर्पस बता देंगे आपको वो बाद में क्या चीज है, क्वेश्चन भी बता देंगे, बीकॉम वगैरह के लेवल में कवर होता है। चलो कुछ जर्नल, एक अकाउंट भी देखा, थोड़ी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा ये कंसेप्ट और क्लियर होगा। 23rd देखना, एग्जांपल नंबर 23 नोट्स, प्लीज डिस्क्रिप्शन में एक लिंक गिवन है, आप नोट्स डाउनलोड कर लें, देन आफ्टर ये क्वेश्चंस जो हैं आप इजीली कर पाएंगे। ओके, पार्ट 3 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर रिवैल्यूएशन से रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 23। अमर अकबर एंथनी, ये ओल्ड रेशियो दे रखा है इनका, कितने का पार्टनर है ये, 532। ये इनकी बैलेंस शीट दे रखी है जिसमें लैंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, स्टॉक है, डेटर 8000 के हैं जिसपे 400 का क्या बना हुआ है, प्रोविजन। डेटर 8000, उनपे प्रोविजन कितना बना हुआ है, प्रोविजन 400, तो नेट कितने, 76। अब आप देख लो प्रोविजन कितने परसेंट है, 400 अपॉन 8000 इनटू 100 करो तो ये 5% बनता है। वैसे उसने पेपर में मेंशन कर रखा है 5% देखो, लेकिन ना भी मेंशन हो तो परसेंटेज देखनी हो कभी तो बन जाएगी। 400 अपॉन 8000 इनटू 100 करके ये प्रोविजन बना हुआ है, कैश है, अमर अकबर एंथनी की कैपिटल है, क्रेडिटर है। हमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है सेम डेट को अकबर विल गेट रिटायर्ड, अकबर फर्म से चला जाएगा, जो 3/10 का पार्टनर अकबर है वो चला जाएगा, ठीक, और अमर एंथनी उसको फर्म को आगे चलाएंगे। न्यू रेशियो उनका दे रखा है, न्यू या गेनिंग रेशियो का रिवैल्यूएशन में कोई यूज नहीं, वो गुडविल में काम आता है, एडजस्टमेंट में। ओके, हमें कह रहा है संडी डेटर को राइट ऑफ करना है, कहता है ये जरूरत नहीं है डेटर की, 550 के डेटर बैड हो गए 550 के, और नीचे कह रहा है प्रोविजन उसी रेट से बनाए रखो जो पहले रेट से बना है। पहले कितने परसेंट बना हुआ है प्रोविजन, 5% ना। ओके, तो मुझे कह रहा है बैड डेट्स हुए 550 के। ओके, एंट्री नंबर 1, आप एंट्री करोगे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट कितना, 550 टू डेटर्स, डेटर्स कितने कम हो गए, 550 बीइंग अमाउंट प्रूव्ड बैड, जो कंफर्म हो गया बैड प्रूव हो गया कितने रुपए, 550। अब ये बैड डेट्स जो है इसी के लिए तो प्रोविजन बना हुआ है ये 400 का, ये प्रोविजन किस लिए बना है, बैड डेट्स के लिए, लेकिन प्रोविजन तो सिर्फ 400 का है, बैड डेट्स कितने हैं, 550। ओके, तो प्रोविजन यूज कर लो, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स डेबिट कितने रुपए का पड़ा है, 400, नुकसान उससे भी ऊपर है तो कौन से अकाउंट से ले लो, रिवैल्यूएशन अकाउंट से 150 टू बैड डेट्स, क्योंकि बैड डेट्स जो हैं वो 550 के हैं, बीइंग बैड डेट्स चार्ज फ्रॉम रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो आपने 150 का ये जो बैड डेट्स है वो कहां से सेट ऑफ कर लिया, प्रोविजन से 400, एक्सेस कहां से आ गया, रिवैल्यूएशन से 150। अब मुझे बोलो पोजीशन क्या, ये प्रोविजन तो डेबिट होके खत्म हो गया 400, डेटर कितने के रह गए, जो डेटर हैं वो 8000 में से
अपने 550 कम होके डेटर का जो बैलेंस है वो कितना रह गया? डेटर का बैलेंस 8000 माइनस 550 कितना? 7450 का रह गया है। समझ आया? आप ना अगर कभी भी कंफ्यूजन हो तो आप ना डेटर का अकाउंट बनाओ। देखो ओपनिंग बैलेंस डेबिट बैलेंस है ना, ओपनिंग डेबिट बैलेंस ब्रॉट डाउन। डेटर का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 8000। देखो प्रोविजन का बैलेंस हमेशा क्या, ये क्रेडिट 400 रुपए, ये डेबिट होके खत्म हो गया। चलो डेटर 8000। अब आपने बाय बैड डेट्स किया कितने रुपए? 550। ये देखो बैड डेट्स टू डेटर, डेटर का बैलेंस क्या बच गया? बाय बैलेंस कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर 8000 के जो बैड डेट्स डेटर थे उसमें से ये कम करके 7450 का ये क्या बच गया? डेटर का बैलेंस 7450 रुपए का बच गया। ओके अब मुझे सेकंड पॉइंट में कह रहा, और ये प्रोविजन खत्म। अगर कोई स्टूडेंट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का अकाउंट बनाना चाहे तो हमेशा माइंड में याद रखना प्रोविजन का बैलेंस हमेशा ही क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट। हमेशा कितने रुपए का प्रोविजन है? क्वेश्चन में 400। लेकिन ये तो सारे यूज हो गया कहां? इस बैड डेट्स को सेट ऑफ करने में। टू बैड डेट्स अकाउंट कितने रुपए? 400। ये तो पूरे यूटिलाइज हो गया, खत्म हो गया वो प्रोविजन। देख लो क्यों सारे यूज हो गया, बल्कि बैड डेट्स 150 एक्सेस है। 550 माइनस 400, 150 कहां से लिए? रीवैल्यूएशन अकाउंट में डाल दिए। तो आप देखो डेटर कितने बचे? प्रोविजन जीरो हो गया है, कोई प्रोविजन नहीं है। 7450 के क्या पड़े हमारे? डेटर 7450 रुपए के हमारे डेटर हैं। ओके तो हमें कह रहा है अब हमें सेकंड एंट्री में बैड डेट्स का प्रोविजन उतने ही रेट से बनाओ जो आज है। यानी आज कितने परसेंट है? देखो 400 है 8000 का, तो यानी 5%। अब आपको प्रोविजन एग्जिस्टिंग रेट से रखना है, तो प्रोविजन तो खत्म हो चुका है, लेकिन इस डेटर पे आपको क्या रखना है? प्रोविजन रिक्वायर्ड। आपको इस पे प्रोविजन एट द रेट 5% ही रखना है 7450 का। तो कितना प्रोविजन चाहिए? 7450 का आपको 5% प्रोविजन, 372 कह लो या 73 कर लो आपकी मर्जी है, 373 7450 का 5%, तो 373 या 2 कर लो जो भी। तो आपको यहां पे लॉस होगा क्योंकि आपको प्रोविजन बनाना है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। 2 लॉस है, 2 प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ये बनाना होगा आपको। कितने रुपए? ये जो 8000 थे 550 कम होके 7450 का 5% कितना बना ये आपको पता है? 373 ये प्रोविजन बना। बिंग, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स प्रोवाइडेड एट द रेट 5%। 5% क्योंकि पहले जो परसेंटेज थी 400/8000 5% थी, तो हमने 5% ही क्या बनाया यहां पे? प्रोविजन बनाया। तो वो देखो 7450 का 5%, ठीक। तो ये 373 का प्रोविजन बनाया, लॉस है। पहले वाला प्रोविजन तो यूटिलाइज हो गया, खत्म किया वो तो जीरो हो गया। डेटर कम हुए 550 बैड डेट्स की वजह से, तो डेटर में जो फिगर है वो 7450 की है, उस पे 5% प्रोविजन बनाओ। पहले वाला तो खत्म, ये देखो अकाउंट बना के, पेपर में ना बना के दिखाओ चाहे, नॉलेज के लिए मैंने बताया, तो वो तो खत्म हो गया था। तो डेटर 7450 पे आपको 5% प्रोविजन बनाना था, तो वो आपने प्रोविजन बनाया 373 इस तरह से। यानी अब आपकी बैलेंस शीट में डेटर कितने हैं? क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओगे ना, जो किसकी होगी? एक्स एंड जेड की, क्योंकि वाई तो रिटायर हो गया। वहां पे आप डेटर कितने लिखोगे? 7450 लेस प्रोविजन उसका 5%, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना? 373। तो 7450 का 373 कम कर दोगे तो कितना पड़ा है? 7077 इस तरह से। क्लोजिंग बैलेंस शीट में पड़ा है फिगर 7077 इस तरह से। फिलहाल मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट नहीं बना रहा, मैं तो डेटर की एडजस्टमेंट बता रहा था, वो इस तरह से होगी।
अच्छा पॉइंट है, थोड़ा टिपिकल रहता है, लेकिन प्रैक्टिस से ये आराम से हो जाएगा. ओके, इस तरह से ये वाला स्टेप हो गया हमारा. नेक्स्ट कहता है स्टॉक रिटर्न डाउन बाय 527, तो लॉस हो रहा है, स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है, तो टू स्टॉक अकाउंट कितने रुपए डाउन हो रहा है, स्टॉक डाउन हो रहा है 527. ओके, लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ रही है, मशीन कम हो रही है, प्लांट एंड मशीन अकाउंट कम हो के 17 की रहेगी, 17500 से कम हो के 17 रह जाए, तो मतलब कितने रुपए कम, मशीन 500 कम. कह रहा है संडी क्रेडिटर राइट बैक कर दो, खत्म कर दो, लेकिन एक प्रोविजन बनाना है, टू प्रोविजन फॉर, किसके लिए बना रहा है प्रोविजन, फॉर रिपेयर बिल, रिपेयर के लिए प्रोविजन बना रहा है, कितने रुपए का नुकसान है ये 300. ठीक, तो ये टोटल लॉसेस कितने, 527, 500 और 300, 800 रुपीस नहीं, 527, 800, तो ये 1327 रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, कितने रुपए से 1327, बीइंग असेट्स एंड लाइबिलिटीज रीवैल्यूड. असेट्स एंड लाइबिलिटी को क्या कर लिया हमने, रीवैल्यूड कर लिया इस तरह से. ओके, अभी क्या कह रहा है, मशीन की वैल्यू के ऊपर ही देखो, लैंड एंड बिल्डिंग 5750 क्या हो गई है, बढ़ गई है, असेट्स बढ़ेंगी तो क्या होंगी, डेबिट, तो लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गई है, 5750 का क्या हो गया है, फायदा. और कह रहा है क्रेडिटर कम हो गए, संडी क्रेडिटर को राइट बैक कर दो, कहता है नो लॉन्गर पेबल, पेबल नहीं, क्रेडिटर जैसे किसी को देने थे पैसे, बंदा एक्सपायर हो गया, उसका परिवार का भी कोई क्लेम करने नहीं आया, या क्रेडिटर ने काफी देर होगी पैसे मांगे ही नहीं, हम पूछ रहे हैं वो बता ही नहीं रहा कि छोड़ो चलो, क्रेडिटर किसी भी वजह से कम हो गए हैं, नो लॉन्गर पेबल, पेबल नहीं, तो ये फायदा है, लाइबिलिटी कम हो रही है, डेबिट, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा, तो 5750 प्लस 350 6100 टू रीवैल्यूएशन अकाउंट. ओके, बीइंग असेट्स एंड लाइबिलिटीज रीवैल्यूड. अब देखो यहां से देखो, रीवैल्यूएशन में 150 और 373 डेबिट, तो 150 प्लस 373 ये डेबिट, ये डेबिट, यहां पे फिर डेबिट, 1327 डेबिट, लेकिन यहां पे क्या 6100 क्रेडिट, तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट कितना, डेबिट कितना देख लो, 150 373 प्लस 1327 माइनस 6100, तो ये 4250 का क्या आ रहा है, यहां पे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ रहा है, ये एक्सेस है, क्रेडिट साइड ज्यादा, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को आप एडजस्ट कर दो, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 4250 टू किस किस पार्टनर में बांटेंगे, अमर में, अकबर में और एंथनी, बीइंग प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो, ये ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, ओल्ड रेशियो क्या है 532, तो 4250 का ये जो प्रॉफिट है 4250 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 5 2125 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 1275 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 ये आ गया 850, पार्टनर में आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. बोलो कोई भी डाउट, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस इज टू बी डिवाइडेड अमंग ऑल पार्टनर, तो वो पार्टनर के रेशियोज में बट गया. तो इस तरह से देखो, जब जब भी असेट बढ़ी, असेट बढ़ रही है, लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ी तो फायदा, क्रेडिटर कम हुए राइट बैक, खत्म करो, देने ही नहीं, नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टू पे, देने ही नहीं, तो आप क्या है इसको खत्म करो, लाइबिलिटी कम हो रही है डेबिट, असेट्स कम हो रही है या लाइबिलिटी बढ़ रही है, रिपेयर का बिल देना पड़ेगा, लॉसेस, तो ये क्रेडिट, रिवैल्यूएशन, डेबिट, तो वो बैड डेट्स और प्रोविजन ये सब एडजस्ट करके क्रेडिट साइड एक्सेस है. अगर आप चाहो तो इसका रीवैल्यूएशन अकाउंट बना के देख सकते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट से ज्यादा अच्छी पिक्चर क्लियर हो जाती है. देखो
ये बैड डेट्स 150 कहां से लिए गए? रीवैल्यूएशन से. तो टू बैड डेट्स अकाउंट कितने रुपए? 550 में प्रोविजन से 400 एडजस्ट करके बाकी के एक्सेस यहां से राइट ऑफ किए गए थे. क्लियर? चलो फिर अपन उसके बाद प्रोविजन बनाया. प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितने रुपए का प्रोविजन बनाया? 7450 के डेटर पे 5% बनाया था. ये 740 का 5% कितने रुपए? 373 रुपीज. ओके, फिर अपन एसेट्स की वैल्यू डाउन की. कई एसेट्स कम हुई. स्टॉक अकाउंट कम हुआ. स्टॉक कितने रुपए? 527. टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट कितने रुपए? 500. टू प्रोविजन फॉर रिपेयर अकाउंट, यस, कितने रुपए? अगर जर्नल ना कहें तो डायरेक्ट आपको ये बनाना आना चाहिए. ये देखो लैंड एंड बिल्डिंग बड़ी कितने रुपए से? 5750. क्रेडिटर राइट ऑफ करने हैं. क्रेडिटर अकाउंट कितने के? 350. तो अब आप देख लो 6100. ये सब कम करके 6100 माइनस 150 माइनस 373 माइनस 527 माइनस 800. तो ये आ गया 4250. ये जो 4250 है ये क्या है? रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट. ये बटेगा अमर में, अकबर में और एंथनी में. किस रेशियो में? सभी का है ओल्ड रेशियो में. 532, 2125, 1275 और 850. इस तरह से बट गया. जर्नलाइज कहे तो जर्नल कर दो, वरना डायरेक्ट रिवॉल्यूशन एक लेंथी क्वेश्चन आएगा तो उसमें डायरेक्ट रिवॉल्यूशन अकाउंट ही पूछ लेता है. तो आप इस तरह से रिवॉल्यूशन अकाउंट बना के बांट दें. अगर मुझसे कोई पूछे कि अकबर का फाइनल बैलेंस कितना है, अकबर फाइनल बैलेंस पेबल कितना पैसा अकबर को देना है, एक तो आप कहेंगे कैपिटल का बैलेंस देना है अकबर को. कितनी कैपिटल थी बैलेंस शीट में देखो अकबर की, कितनी? 17,000 प्लस उसे रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट दे दिया. प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन शेयर कितने रुपए? रिवॉल्यूशन का शेयर उसका 1250 नहीं 1275. तो 18275 उसको फाइनली देना है. 18275 18275 देना है. बोलो कोई डाउट? जर्नलाइज भी कर दिया अपने, रीवैल्यूएशन भी बना दिया. बड़ा ही सिंपल है. जो जो लॉसेस हैं यानी एसेट्स का डिक्रीज होना या लायबिलिटी का इंक्रीज होना, तो लॉस. असेट्स का इंक्रीज होना प्रॉफिट, लाइबिलिटी का डिक्रीज होना प्रॉफिट. तो इसको एडजस्ट कर देंगे आप यहां पे रीवैल्यूएशन अकाउंट में इस तरह से. एनी डाउट? रीवैल्यूएशन अकाउंट का एडजस्टमेंट हो गया. क्लियर? तो रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे इफेक्ट करता है वो आप इस क्वेश्चन में देख सकते हो. ठीक है, ओके. तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है प्रैक्टिस के लिए. रिवॉल्यूशन का 24 देख सकते हैं आप. इसे क्लियर कर दूं? ओके, इसे रब कर रहा हूं और देखते हैं थोड़ी प्रैक्टिस के लिए. डायरेक्ट मैं आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट में ट्रीटमेंट बता दूंगा. उसी से जर्नल देख सकते हो, एक एक मिनट का काम है, कोई खास बात नहीं है. क्वेश्चन नंबर 24, एग्जांपल 24, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर पार्ट 3 चल रहा है. नोट्स डिस्क्रिप्शन में अटैच है तो उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं. चलो देखते हैं 24 क्या कह रहा है. एक्स वाई जेड आर पार्टनर, एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन 2:1:3 रेशियो. 31 मार्च 21 की बैलेंस शीट गिवन है. कैश है 55,600 का,
डेटर 32,000 के, प्रोविजन देखो 3200, तो 32 देखो डेटर है 32,000, उस पे प्रोविजन कितना बना हुआ है, तो कितने दे रखे हैं डेटर 28,800, तो ये कितने परसेंट है, देखो 3200 अपॉन 32,000 इंटू 100 इट इज 10%। अगर जरूरत पड़े कोई लास्ट क्वेश्चन की तरह, वरना कोई बात नहीं, मैंने तो नॉलेज के लिए बताया कि ये एग्जैक्टली 10% प्रोविजन बना हुआ है। चलो कह रहा है जेड इज गोइंग टू रिटायर, जेड जा रहा है पार्टनरशिप से, ओके। एक्स एंड वाई डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन 4:1, ये ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो इनका 4:1, ये फिलहाल रीवैल्यूएशन में कोई कंसर्न नहीं, गुडविल की एडजस्टमेंट में या कैपिटल की एडजस्टमेंट में इसका यूज होगा, ठीक, तो वो आप देख लेंगे, जस्ट अ मिनट। हेलो, ठीक है, तो आप देखो हमें क्या कह रहा है, डेटर 4200 के राइट ऑफ करने हैं, कहता है मिलेंगे नहीं, ओके, डेटर राइट ऑफ करने हैं फर्स्ट एंट्री में, कह रहा है यानी कि बैड डेट्स हो गए, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 4200 टू डेटर्स, कितने के बिंग बैड डेट्स इनकर्ड, अकर्ड कह दो, बैड डेट्स अकर्ड, ठीक है, या डेटर राइट ऑफ 4200, अपने पास प्रोविजन तो 3200 का है ना, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो है वो कितने रुपए से डेबिट होगा 3200, लेकिन हमारे तो बैड डेट्स कितने रुपए के हैं, हमारे बैड डेट्स हैं 4200 के, तो इट मींस 1000 जो एक्सेस लॉस है वो कहां से लेंगे आप, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, रिटायरमेंट पे भी बनता है, एडमिशन पे भी, बीइंग बैड डेट्स रिटन ऑफ, कहां से, रीवैल्यूएशन से हो गए या प्रोविजन फॉर बैड डेट से हो गए, ओके। तो इस तरह से ये एंट्री तो हो गई इसकी, बाकी एंट्री अब बोलो डेटर क्लोजिंग बैलेंस शीट में डेटर कितने के होंगे, जो डेटर है वो 32,000 से 4200 राइट ऑफ होके कितने के रह गए, देखो क्रेडिट हो गए ना डेटर 42,000, तो ये 27,800 के पड़े हैं, 27,800 प्रोविजन है कोई नहीं, कोई प्रोविजन नहीं, बस 27,800 के पड़े हैं, ओके। ये क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्योंकि प्रोविजन के रिगार्डिंग साइलेंट है कि प्रोविजन और बनाना है या नहीं, नहीं कहा तो मैं नहीं बना रहा, कहता तो बना देता, कहता पिछले वाली रेट से बना दो तो मैं 27,800 का 10% बना देता, क्योंकि ओपनिंग में 10% बना हुआ है, 2780 का बना देता, क्या एंट्री कर देता मैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कर देता, कितनी, अगर क्वेश्चन में कहता तो कि सेम रेट से बनाना है, मैं कहता कि ओपनिंग बैलेंस शीट में प्रोविजन 3200 का, जब डेटर कितने थे 32,000 के, इनटू 100 तो प्रोविजन की रेट कितनी आ गई 10, तो मैं यहां पे जो 27,800 के डेटर बच गए 32-42 कम करके, उसका 10% बना देता 2780 का प्रोविजन, अगर वो कहता सेम रेट से प्रोविजन बना दो, लाइक क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में सेम रेट वाली बात कह रहा था, फिलहाल 24 में वो बात नहीं बोल रहा, तो कोई प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है, ओके। तो आप देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा इस क्वेश्चन में, रीवैल्यूएशन अकाउंट जर्नलाइज कर लेंगे अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन डाउट रहेगा, अदरवाइज डायरेक्ट मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहा हूं, किस तरह से वही पर्टिकुलर अमाउंट लिख लेंगे आप, चलो देखते हैं। कह रहा है डेटर, डेटर की स्टोरी क्लियर हो चुकी है, रीवैल्यूएशन से कितना लिया, टू बैड डेट्स अकाउंट, कितना 4200 में से 32 तो कहां से ले लिया, प्रोविजन से 1000 रीवैल्यूएशन से। नेक्स्ट स्टॉक डाउन हो गया है, स्टॉक कितने रुपए से कम हो गया है 2000, लॉस है,
असेट्स का कम होना, लॉस है ना 2000। कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग रिटर्न अब बढ़ा दो, कितने रुपए से बाय लैंड एंड बिल्डिंग, कितने रुपए से बढ़ा दो 3000। ओके, बढ़ गई असेट्स, बढ़ रही है फायदा। प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस होके कितने गिरेगी 40, रिड्यूस बाय नहीं है, रिड्यूस 240 रह गई है, तो 70 वाली प्लांट एंड मशीनरी काउंट कितना, 70 वाली कम होके 40 की रह गई है, तो 30 का लॉस, ध्यान देना रिड्यूस बाय 40, एडमिशन में पढ़ा आपने रिवैल्यूएशन काउंट, रिड्यूस बाय 40 कहता तो 40 राइट ऑफ करता, बच जाती 30 बैलेंस शीट में। अब बैलेंस शीट में कितनी पड़ी है 40, 30 कम हो गई है। ओके, संडी क्रेडिटर राइट बैक कर दो, जरूरत नहीं, देने नहीं पड़ेंगे राइट बैक, कहता नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टू पे, देने नहीं है 4000, ठीक फायदा हो गया। प्रोविजन 1000 का बनाओ, प्रोविजन फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली का बिल देना पड़ेगा कितने रुपए 1, लाइबिलिटी बढ़ रही है, बुक्स में अनरिकॉर्डेड था ये अमाउंट, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी बुक्स में नहीं थी लेकिन देनी पड़ेगी, तो ये एक लाइबिलिटी है अनरिकॉर्डेड, तो 1000 पे लॉस। ओके, एक पुराना टाइपराइटर था कचरे में, बेच दिया 6000 का, फायदा है आपने कचरे में बेचा, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने में बेच दिया 6000, 2 टाइपराइटर बुक्स में लाओ फिर बेचो, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो, पहले तो बुक्स में ले आओ टाइपराइटर अकाउंट, क्या ये अनरिकॉर्डेड एसेट्स, बुक्स में नहीं है लेकिन बुक्स में लिखोगे तो ये फायदा है, कितने रुपए का फायदा, ये 6000 का, बुक्स में आ गया ये टाइपराइटर टू रिवॉल्यूशन। अब क्या एंट्री कर देंगे आप, बैंक टू टाइपराइटर, फर्स्ट एंट्री तो क्या होगी देखो, इससे पहले आपने क्या एंट्री कर दी, इससे पहले आपने टाइपराइटर अकाउंट डेबिट किया टू रिवॉल्यूशन अकाउंट, अनरिकॉर्डेड असेट्स बुक्स में लिख दी, उसके बाद बुक्स में ले आए, एक असेट बुक्स में नहीं थी, ये अनरिकॉर्डेड असेट्स है, अनरिकॉर्डेड असेट्स फायदा ही है, बुक्स में आ रही है 6000 की, फायदा है। अब इसको बेच दिया, बिंग टाइपराइटर सोल्ड, ऐसा करा 6000, तो आप ऐसे कर लो या इन दोनों की कंबाइन एंट्री, ऐसे भी कर सकते हैं आप, कंबाइन एंट्री करो तो कैसे, देखो टाइपराइटर टाइपराइटर हटा दो, बैंक अकाउंट डेबिट 6000 रुपए आ गए टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, फायदा कितना 6000, बीइंग अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर सोल्ड है स्क्रैप, उसको एज अ स्क्रैप बेच दिया, आप इन दोनों की कंबाइन एंट्री कर दो, और कर देता हूं जैसे मर्जी कर लो, रिजल्ट सेम है। टाइपराइटर बुक्स में लाओ पहले, मतलब टाइपराइटर टू रिवॉल्यूशन, देन आफ्टर क्या करोगे, बैंक टू टाइपराइटर बेच दो, तो दो एंट्री कर सकते हो। शॉर्टकट करनी है तो टाइपराइटर टाइपराइटर कैंसिल, सीधा शॉर्ट में एंट्री क्या करो, बैंक टू रिवॉल्यूशन अकाउंट, बस 6000 टाइपराइटर टाइपराइटर कैंसिल कर दिया, फिर यहां पे बाय टाइपराइटर की जगह क्या लिख देना, फिर आप बाय बैंक अकाउंट, एक ही बात है, अगर आप सेकंड ओपिनियन अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर सॉल्ड, बस अगर आप ये वाला कंसेप्ट कंबाइन एंट्री का फॉलो करना चाहते हैं तो वो कर लो, मर्जी है। देखो नेक्स्ट कह रहा है कि एक टाइपराइटर के बाद फर्म को 5000 एम्प्लॉई को देना पड़ेगा क्योंकि उनको टाइम से पहले नौकरी से हटा रहे हो, एम्प्लॉईज को कितने रुपए 5000 कंपनसेशन जो है फर्म हैड टू पे करना पड़ेगा, तो आप देखो क्या आउटस्टैंडिंग कंपनसेशन टू एम्प्लॉई देना पड़ेगा, अभी दिया है तो टू बैंक ही कर दो सीधा, ये एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, नुकसान अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, देना पड़ेगा, किसी को नौकरी से निकाल दिया टाइम से पहले देना पड़ेगा, तो ये आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी कहां दिखा देना, कंपनसेशन टू एम्प्लॉई देना पड़ेगा, 5000 लाइबिलिटी लॉस है डेबिट। एक और सेट अनरिकॉर्डेड प्लांट एंड मशीनरी 9000 टू बी रिकॉर्डेड,
तो बाय प्लांट एंड मशीन अकाउंट अनरिकॉर्डेड असेट्स है, कोई कंप्यूटर है या कुछ भी, कोई रेफ्रिजरेटर जो बुक्स में लिखा नहीं गया लेकिन उसकी 9000 वैल्यू है टू बी रिकॉर्डेड कह रहा है, तो उसे रिकॉर्ड करो, उसे बुक्स में लिखो। ओके, तो बस इतना है और इसमें कुछ भी नहीं। तो क्या क्या कह रहा था, बैड डेट्स 32 का प्रोविजन था लेकिन बैड डेट्स हमारे 42 के हो गए, तो 1000 कहां से लिया, रिवैल्यूएशन से। स्टॉक राइट डाउन किया, मशीन राइट डाउन 240, रिड्यूस 240, 40 पे रहेगी तो मतलब 70 वाली 30 डाउन। बिजली का बिल देना पड़ेगा, रिकॉर्ड करो लाइबिलिटी, 1000 लॉस। एक कंपनसेशन देना पड़ेगा, कहता दे दिया तो टू बैंक ही लिख लेते चाहे, अब भी तो मैं कल को क्या करूंगा पेमेंट दूंगा, तो आउटस्टैंडिंग कंपनसेशन डेबिट टू बैंक, कल को अभी दे दिया होता तो टू बैंक अभी कर लो। ओके, एक बिल्डिंग बढ़ गई 3000, क्रेडिटर बढ़ गए कम हो गए 4, फायदा है। एक असेट में था नहीं टाइपराइटर, कचरे में बेचा 6, फायदा बाय बैंक। और एक मशीन बुक्स में नहीं थी, लिखो, कहता रिकॉर्ड टू बी रिकॉर्डेड तो लिख ली 9, फायदा। तो देखो कितना एक्सेस है डेबिट साइड में, ये 30,000 की वजह से डेबिट साइड 3,000, 30, 33, 34 और ये 39,000, इधर भी कितना आना चाहिए 39, देखो 37, 13 और 22, 17,000, 3, 4, 6 प्लस 9 माइनस 39, 17,000 का क्या गया, ये लॉस, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर एक्स वाई जेड, तीनों में शेयर होगा। ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो क्या इनका 213 में डिवाइड होगा, तो बांटो 17,000 213 में इंटू टू, यही है क्या इनका रेशियो, देखो तो आप 17,000 को करेंगे 6 से डिवाइड इनटू 2, इसमें आएगा 5667, इसमें आएगा 2833, इसमें आएगा 8500। ओके, इस तरह से कोई जर्नल में डाउट है इसकी, तो जर्नल कोई जर्नल बना लो, रिवैल्यूएशन टू बैड डेट्स, ये रही रिवैल्यूएशन टू स्टॉक, रिवैल्यूएशन टू मशीन गम होगी 30, रिवैल्यूएशन टू इलेक्ट्रिसिटी बिल 1000, रिवैल्यूएशन टू आउटस्टैंडिंग कंपनसेशन, लैंड एंड बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन, क्रेडिटर टू रिवैल्यूएशन, बैंक टू रिवैल्यूएशन, मशीन टू रिवैल्यूएशन, बाय में ये एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड डेबिट टू रिवैल्यूएशन रेशियो में बांट दिया। तो आप मुझे बताओ फाइनल अमाउंट पेबल पेबल टू जेड कितने रुपए देने हैं, एक तो जेड का कैपिटल का बैलेंस, बैलेंस शीट में कितने रुपए की कैपिटल है जेड की, 50,000 रुपए की कैपिटल है। रिवैल्यूएशन में लॉस आ गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस का शेयर देना है उसे, कितना लॉस है उसके हिस्से का 8500 बस, तो इसको बांटो तो उसे 41,500 फाइनल बैलेंस देना है। लॉस आने की वजह से उसका शेयर क्या हो गया है, कम हो गया है, प्रॉफिट आता तो ऐड होता, न्यू रेशियो का फिलहाल गुडविल में यूज होता है, यहां कोई यूज नहीं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की प्रैक्टिस इससे हो जानी चाहिए, वैसे आपने ये रिवैल्यूएशन एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी पढ़ा था, वही है ये। एनी डाउट, क्लियर? तो बैलेंस शीट में इसका क्या इफेक्ट होता है आप समझते हैं, डेटर कम हो गए, स्टॉक और वो सारा इफेक्ट बैलेंस शीट में हो जाएगा अगर ये करोगे। अगर मैं इसी क्वेश्चन में बैलेंस शीट बना के दिखाऊं नॉलेज के लिए, बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट होगा, बैलेंस शीट आफ्टर जेड रिटायरमेंट, जेड की रिटायरमेंट के बाद बैलेंस शीट की कुछ फिगर्स देखना, जैसे कि डेटर, डेटर जो थे हमारे वो थे 32,000 के, उसमें से कम हो गए 4200, 27,800 के पड़े हैं, कोई और प्रोविजन नहीं बनाया, डेटर सिर्फ क्रेडिट हुए हैं, 4200 कम हो गए। ओके, नेक्स्ट आइटम, इसमें डेटर के बाद स्टॉक, जो स्टॉक था पहले वो था 25,600 का ओपनिंग बैलेंस शीट में,
2000 कम होके कितने का रह गया, 23600 का बच गया स्टॉक. ओके नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीन, जो ओल्ड वाली थी प्लांट एंड मशीनरी जो पड़ी थी बैलेंस शीट में, वो पड़ी थी 70 की, वो कम होके 30 कितने की बच गई, रिड्यूस टू 40,000 की बच गई. ओके फिर कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग पहले कितने की है, 60,000 की, फिर कह रहा था लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गई 3,000 से, तो कितने की होगी लैंड एंड बिल्डिंग, 63,000 की. फिर और देखो अनरिकॉर्डेड बेच दिया, वो तो चलो बैंक में जुड़ जाएगा, बैंक बैलेंस जो बेच दिया आपने वो अनरिकॉर्डेड एसेट्स को, जो कैश बैंक पड़ा था पहले वो 55,600 का, वो माइनस या प्लस 6,000, 61,600 का हो जाएगा. वैसे कैश बैंक में तो और चीजें भी चेंज हो सकती हैं, नॉलेज के लिए लिख दिया मैंने. एक प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट अनरिकॉर्डेड वाला, जो वो पुरानी चीज बुक्स में लिखी नहीं, लिखो कह रहा है 9,000, लिख लो 9,000 ठीक. और लाइबिलिटीज में क्रेडिटर, जो क्रेडिटर पहले पड़े थे ऑलरेडी वो 30,000 के पड़े थे क्रेडिटर, 30,000 के क्रेडिटर में क्रेडिटर राइट बैक हो गए 4 के, तो कितना 26,000 के क्रेडिटर रह गए, कम हो गए थे ना क्रेडिटर वो देखो 4,000 के. ओके फिर कह रहा है प्रोविजन फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रोविजन फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल कितने रुपए का प्रोविजन बना, 1,000 का. और आउटस्टैंडिंग कंपनसेशन टू एम्प्लॉई, एम्प्लॉई को कितना कंपनसेशन देना बाकी है, 5,000 रुपए का. बस ये चेंजेस है जो बैलेंस शीट में. देखो डेटर कम हुए, स्टॉक कम हुआ, मशीन कम हुई 40 रह गई, ये बिल लाइबिलिटी में आ गए 105, लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गई 3,000 से, लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज, और क्रेडिटर कम हो गए 4,000 से, बैंक बैलेंस बढ़ गया 6,000, मशीन बुक्स में लाओ 9,000 की. इस तरह से बैलेंस शीट में ये चेंजेस होते हैं. एनी डाउट, कोई कभी डाउट हो माइंड में कि बैलेंस शीट में क्या चेंजेस होते हैं इसकी वजह से, तो वो चेंजेस आपको पता लग गए, कोई भी प्रॉब्लम इसमें ठीक. और जो वो पार्टनर जा रहा है उसका बैलेंस हमने निकाला ना, उसको अगर पेमेंट देने को कहे तो यस दे दो जैसे कहता है, नहीं तो वो लोन में पड़ा रहता है. जैसे यहां जेड जा रहा है, जेड लोन अकाउंट, उसको जो पैसा देना है, उसकी कैपिटल 50,000 थी और रिवैल्यूएशन का लॉस 8,500 काट के 41,500 उसका बैलेंस पड़ा रहेगा, ना कुछ बोले तो उसका बैलेंस पड़ा रहता है. वैसे एक्स वाई जेड का देखो अगर, उनकी ओपनिंग कैपिटल बिफोर रिटायरमेंट कितनी गिवन थी, 92, 68 और 50. रीवैल्यूएशन अकाउंट से क्या गया, लॉस कितने में बट गया, ये 5,667 और 2,833 और 8,500. तो इनकी क्लोजिंग कैपिटल, कैपिटल काउंट तो आपने एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी बनाए हैं, वही 92 में रीवैल्यूएशन का लॉस कटने के बाद 8,633. नॉलेज के लिए बता रहा हूं, मैं कंप्लीट क्वेश्चन आपको आगे करवाऊंगा. 65,167 और इसका आपने जो देना है 41 दे दो तो बैंक बैलेंस कम, सीधा जेड कैपिटल डेबिट टू बैंक, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, दे दो. नहीं देता तो पड़ा है. कैपिटल किस किस की पड़ी, अब एक्स की कैपिटल कितनी पड़ी है देखो, 86,333. वाई की कैपिटल कितनी बची पड़ी है, 65,167. ये बैलेंस शीट है, तो आप इसका टोटल कर सकते हैं 26,1,000, 5,000, 41,500, 86,333, 65,167, 225. ये आगे कंप्लीट क्वेश्चन है, मैं तो एक पिक्चर बता रहा हूं. अपना क्वेश्चन तो फिलहाल रीवैल्यूएशन अकाउंट तक का ही था, ये जो हमने कर लिया, ये तो मैं आगे नॉलेज के लिए बता रहा हूं. 220 इस तरह से आगे क्वेश्चन आएंगे, कंप्लीट बैलेंस शीट बनाने को कहेगा. इसको कुछ ना बताए कैसे दिया, तो लोन में ट्रांसफर करके पड़ा रहता है इसका. अगर कहता है इसको पे कर दिया तो कर दो. जेड कैपिटल 41,500 डेबिट टू बैंक, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा और ये यहां से साफ हो जाएगा. इस तरह दोनों साइड कम हो जाएंगी 41,500 से. इस तरह तो ये मैंने नॉलेज के लिए बना के दिखाई कि रीवैल्यूएशन का इफेक्ट
ये जो अप डाउन हुई है असेट्स लायबिलिटी, इसका इफेक्ट किस पे आने वाला है? बैलेंस शीट पे इसका इंपैक्ट आने वाला है। आफ्टर रिटायरमेंट जो बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें क्या क्या चेंजेस होंगे वो बताने के लिए मैंने थोड़ा आपको बताने ये करके दिखाया है। हो जाएगा, बोलो कोई डाउट? इस तरह से तो आप इसको कंप्लीट क्वेश्चंस में यूज करेंगे रीवैल्यूएशन को, तो इससे रीवैल्यूएशन की प्रैक्टिस होगी। वैसे कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं क्योंकि आप एडमिशन ऑफ पार्टनर में कर चुके हैं, वही कंसेप्ट था। अब इसमें टॉपिक आता है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में ही, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर इसमें टॉपिक आता है नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरेजा प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, डेबिट या क्रेडिट। लॉस भी हो सकता है, डेबिट का मतलब लॉस असेट साइड में पड़ा है और क्रेडिट का मतलब प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लायबिलिटी साइड में पड़ा है, तो अंडरस्टूड है। और कुछ और रिजर्व भी होते हैं जैसे कि वर्कमैन कंपनसेशन वगैरह, जो यूज नहीं हुआ पड़ा है, वर्कमैन कंपनसेशन एटसेट्रा रिजर्व एटसेट्रा। ये सब जो प्रॉफिट्स हैं ये किनके हैं? ये तो पार्टनर के एडमिशन के वक्त भी किया आपने, ओल्ड पार्टनर के बांट लो, तो यहां जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो भी इसमें हिस्सेदार है, तो वो चाहेगा कि मुझे ये मिल जाए, वो बांट दिए जाएंगे। जैसे कि जनरल रिजर्व पड़ा है आपके पास, जनरल रिजर्व डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो एक्सेस ऑफ लायबिलिटी है, एक्सेस ऑफ लायबिलिटी या ऑब्लिगेशन, मान लो हमें बता रहा है कि इसके अगेंस्ट इतना तो देना है, तो वो छोड़ो, जो फालतू एक्सेस है वो खत्म कर दो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस पड़ा है, तो ये सब प्रॉफिट्स हैं किसमें बांट देंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सभी पार्टनर में किस रेशियो में? इन ओल्ड रेशियो। सभी पार्टनर का इस पे राइट है, सभी पार्टनर के ओल्ड रेशियो में बांट दिए जाएंगे। कभी कभी यहां पे एक चीज और भी हो सकती है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये भी एक्सेस ऑफ ऑब्लिगेशन या लॉस, जितना वैल्यू डाउन हुई है वो कर लो, बाकी का फालतू खत्म करो। टू, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अभी मैं एग्जांपल ले लूंगा, पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, तो नरेशन बीइंग प्रॉफिट अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कह लो, बीइंग accumulated profit distributed to partner in their old ratio. कभी कभी P&L account जो है उसका debit balance पड़ा होता है, यानी कि loss debit balance, तो उसका क्या करेंगे? जनरली करता हूं डायरेक्ट, debit balance पड़ा है तो आप partners capital account या current account जो भी है debit करेंगे to profit and loss account का debit balance, पड़ा है यानी कि loss, being loss distributed to partner in old ratio में loss बांट देंगे, कुछ इस तरह से। तो profits या losses को आपने partner की capital account के through adjust करना है इस तरह से, ठीक। मैं एक example लेता हूं, जैसे मैं कह दूं एक balance sheet है, वहां पे general reserve पड़ा है, profit and loss का balance पड़ा है credit, मान लो ये 10,000 का, ये 5,000 का, और पार्टनर है ए बी सी जिनका रेशियो है 2:1, इसमें बी रिटायर हो रहा है, तो ये जो प्रॉफिट है किनके? ए बी सी तीनों के हैं, खत्म करो। ये जनरल रिजर्व किसका है? ओल्ड पार्टनर का 10,000। ये प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस जो है वो भी किनका है? फाइव, तीनों पार्टनर का है, एबीसी में बांटेंगे। लेकिन अगर मैं कह दूं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा है यहां पे 18,000 और हमें कह रहा है इसके अगेंस्ट, कहता है वर्कमैन वर्कर्स लायबिलिटी
against firm due to an accident. एक एक्सीडेंट हुआ था वर्कर को, उसका कंपन कोई मर गया, उसके परिवार को देना या कुछ भी ऐसा कोई केस है, तो हमें कह रहे जी उनको देना पड़ सकता है हमें 8,000. तो भैया ऐसा है 8,000 लाइबिलिटी है, पड़े तो आपके पास 18 है, तो फालतू के वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट कर दो 10,000 में, क्योंकि 8,000 पे लाइबिलिटी जर्नल बनानी हो तो जर्नल भी बना सकते हो ऐसे. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट कितने रुपए 18 टू वर्कमैन कंपनसेशन पेबल जो देना है इसके अगेंस्ट या आउटस्टैंडिंग दिखा दो कितना 8. बाकी का कहां जाने दो, बाकी का पार्टनर कैपिटल में जाने दो, ये रिजर्व खत्म कर दो, बच गया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितने रुपए 10,000 पार्टनर में बांट दो. या फिर आप बस लाइबिलिटी दिखा दो 8,8 की, 10 सीधा ही उधर जाने दो, 8,8 की बस लाइबिलिटी दिखा दो, 8,000 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व खत्म हो गया, बाकी लाइबिलिटी में बाकी बचा हुआ 18 - 8 10,000 पे कहां चला जाएगा. अगर कोई यहां पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पड़ा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड मान लो वो पड़ा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड मान लो 15,000 रुपए का, इधर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कोई डाउन हुई है क्या, इन्वेस्टमेंट अकाउंट इधर 50 के पड़े, तो अगर मैं कहता हूं वैल्यू गिरी तो यहां से राइट ऑफ कर लो, कुछ बच गया तो क्या है कहां जाएगा, ये भी पार्टनर में बांट दिया जाएगा. क्या कैसे, मान लो यहां इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन होगी, हमें कह रहा है इनकी जो मार्केट वैल्यू है वो 40 की रहेगी, 40,000 की रहेगी या हाँ 40 की. चलो अब आप देखो कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड तो फालतू है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से 10,000 का इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी डाउन होगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट 10,000 पे डाउन हो गया, 50 वाली वैल्यू गिर के कितनी रहेगी 40, 10,000 का इन्वेस्टमेंट क्या हो गया डाउन. ये नुकसान P&L से नहीं बल्कि कहां से ले लो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बनाई किस लिए है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 10,000 डेबिट, ये फ्लक्चुएशन फंड में कितने बच गए 5,000, तो ये 5,000 भी पार्टनर में जाएंगे. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितने रुपए का बच गया 5, क्योंकि 15 में से 10 यूज हुआ, वैल्यू गिरी वो भी तब, ना गिरती तो 15 का 15 पार्टनर मानते, तो ये किन में बटेगा, ए बी सी में, किस रेशियो में जाएगा, ये ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो 2:1 है. कैसे बटा जर्नल्स ऑफ, इन सब के बैलेंस क्रेडिट है ना, देख लो डेबिट हो गए खत्म होंगे, जर्नल्स ऑफ 10 प्रॉफिट का बैलेंस 5, वर्कमैन कंपनसेशन 18 था लेकिन उसमें से 8 देना है तो 8 की एंट्री कर लो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 2, वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी 8,000, वो खत्म हो गया 8, 10 को खत्म करो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10 टू पार्टनर्स कैपिटल एबीसी. ऐसी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में पड़ा 15, वैल्यू गिरी इन्वेस्टमेंट की 10, तो 10 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से राइट ऑफ कर दिया इन्वेस्टमेंट, अभी भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में क्रेडिट बैलेंस 5,000 का बच गया है तो वो खत्म करो, एबीसी पार्टनर में बटेगा इस तरह से. तो कितना है ये बट जाएगा 15 और ये 15 30,000 को 2:1 में बांट दो, 30,000 का ये प्रॉफिट है, 12,000 ए में, 12 बी में और 6 किस में जाएगा सी में, तो 30,000 है ये टोटल, इनका टोटल देखोगे तो 30,000 ये 2:1 में डिवाइड हो गया. किसी को डाउट, थोड़ी भी कंफ्यूजन हो, देखो अगर मैं कहूं यहां पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का अकाउंट बना के दिखा दो सर, वैसे जरूरत नहीं है, फंड अकाउंट कैसे, कौन सा बैलेंस है, लाइबिलिटी साइड में पड़ा है कितने रुपए 15, तो बाय ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिट बैलेंस है ना कितने रुपए 15, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हुई कितने रुपए 10, तो ये बना ही इन्वेस्टमेंट को कवर करने के लिए, प्रॉफिट बचा के रखे हुए हैं कितने 10, तो 5,000 ये किस में चला गया, पार्टनर में बट जाएगा कितने रुपए 5,000 बच गया, जो
वो पार्टनर में बांटा है अपने, देख लो वो 5000 सभी चीजों के साथ बांट दिया, अलग अलग बांटना है अलग अलग बांट लो टू ए बी सी, वो बीच में जुड़ के 30 में बट गया, अलग से बांटना है अलग अलग बांट लो टू टू वन में बांट लो 2000 2000 1000, ऐसे कर सकते। तो फ्लक्चुएशन फंड 15 है, हालांकि अकाउंट बना के दिखाने की जरूरत नहीं है फ्लक्चुएशन फंड की या वर्कमैन कंपनसेशन, नॉलेज के लिए बताया। ऐसी अगर आप वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का अकाउंट बनाते, आप देखते उसमें ओपनिंग बैलेंस कितना है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग, उसमें ओपनिंग बैलेंस है 18,000, उसके अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन की लाइबिलिटी अराइज हो रही है, वो कह रहा है लाइबिलिटी कितने रुपए की है, 8,000 की, तो आपके 18 में से 8 की तो लाइबिलिटी दिख रही है, तो इसका मतलब एक्सेस 10,000 का क्या करें, एबीसी ओल्ड पार्टनर में सभी में बांट दो ओल्ड रेशियो में जो कि क्या है 2:1, तो 4000 4000 एंड 2000, ऐसे। अगर आप अलग अलग एंट्री करते हो तो यहां पे ये दोनों एंट्री अलग से कर दी आपने, बीच में नहीं की, तो ऐसा कर लो फिर जर्नल्स ऑफ पी एंड एल बांट लो, क्योंकि वो तो फ्लक्चुएशन फंड और रिजर्व आपने अलग कर दी, टू ए बी सी में ये दोनों चीजें ही बांट लो बस, ओल्ड रेशियो में 15,000, 2:1 में बांट लो कितना 15, ये 15 हो गया, बांटो इन दोनों को, तो कितना 2:1 में 6 6 3, अलग अलग बांट लो, कंपनसेशन रिजर्व को अलग, फ्लक्चुएशन फंड को। बहुत बार ऐसा होता है कि पी एंड एल में प्रॉफिट की जगह क्या पड़ा होता है, लॉस इधर पड़ा होता है पी एंड एल का बैलेंस, असेट साइड में पी एंड एल का डेबिट बैलेंस मान लो 4000, तो भैया जर्नल्स ऑफ बंटो बस 10,000 रुपए का एबीसी में क्रेडिट बैलेंस था टू ए टू बी टू सी 2:1 में 4 4 2, ये तो कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, खत्म करोगे तो पी एंड एल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट तो ही खत्म होगा, कितने रुपए 4, कौन बांटेंगे नुकसान, ए बी सी की कैपिटल क्या होने वाली है डेबिट, इस प्रॉफिट एंड लॉस को खत्म करो, कितने रुपए का ये प्रॉफिट एंड लॉस है, इसे खत्म करने की जरूरत है, कितने रुपए 4000, ओल्ड रेशियो क्या है 2:1 में बांट दो, ठीक, तो ये 1600 1600 800 बांट दिया 4000। तो इस तरह से लॉस, कभी कभी ना यहां एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी पड़ा होता है, मान लो 2000 वो है, उसको भी इसी तरह से करेंगे, ए डेबिट बी डेबिट सी डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। वैसे अगर मैं आज की डेट में बताऊं तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नाम की चीज खत्म ही हो गई है प्रैक्टिस में, लेकिन अगर ये फिर भी कभी दे दे बाय चांस 800 800 400, ये लॉस ही होता है, ये ना एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस क्या होता है, ये धीरे धीरे राइट ऑफ करते रहते हैं, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस ये धीरे धीरे राइट ऑफ करते रहते हैं, एक तरह से लॉस है ये, तो पार्टनर में ये लॉस को बांटा गया है, ठीक, पी एंड एल का डेबिट हो या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो, वो लॉस है पार्टनर में बांट दो, तो लॉसेस पार्टनर डेबिट कर लेंगे पार्टनर अकाउंट को, और टू पी एंड एल या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, जो प्रॉफिट्स हैं पार्टनर के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे। तो प्रॉफिट हो या लॉस उन सबको बांटना है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि ना तो प्रॉफिट है ना लॉस, वो एज इट इज पड़ी रहेंगी, उनको उठा के नहीं बांटना, जैसे कि वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है ही नहीं, नॉट अ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, hence not to be distributed among partners, partners में बांटा नहीं जाएगा, जैसे कि provident fund या employees का saving bank account, उन्होंने अपने पैसे मालिक के पास ही रख रखे हैं, फर्म के पास के घर जाएंगे, जैसे कोई बिहार यूपी उड़ीसा से नौकरी करने आया हुआ दिल्ली में, तो दिल्ली में अपने मालिकों को ही कह देता है जी मेरी सेविंग आप रख लो, तो
तो वो लाइबिलिटी है फर्म की, देने उनको, तो ये कोई प्रॉफिट नहीं। कंपनसेशन रिजर्व तो फर्म बचा के रखती है प्रॉफिट को कि फ्यूचर में काम आएंगे, ये सब अपने प्रॉफिट एंड लॉस से बचा के रखा होता है, तो ये बंटता है। लेकिन ये तो प्योर लाइबिलिटी है, इनको पार्टनर में नहीं बांटना। और लाइबिलिटी है, कभी कभी लाइबिलिटी ना भी हो तो भी नहीं, जैसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जैसे कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, वो तो कम ज्यादा हो तो वो रिवैल्यूएशन के थ्रू एडजस्ट होता है, पर ये पड़ा है बैड डेट्स का प्रोविजन या क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविडेंट फंड, ये पड़ा रहने दो, इनको पार्टनर में नहीं बांटना। इट्स नॉट अ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये प्रॉफिट्स नहीं, या तो लाइबिलिटी है या किसी स्पेशल पर्पज से असेट्स के अगेंस्ट बना के रखा गया है, तो इनको पार्टनर में डिवाइड नहीं किया जाता। तो जर्नल ऑफ पी एंड एल का बैलेंस हो, वर्कमैन कंपनसेशन में देख लेंगे कि उसके अगेंस्ट कोई लाइबिलिटी है तो वो कम करके बाकी बांट लो, नहीं तो आप एज्यूम करो कोई लाइबिलिटी नहीं, सारा बांट लो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में कोई डाउनफॉल है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में तो कर लो राइट ऑफ, बाकी अगर कुछ बैलेंस बचता है तो क्या है वो पार्टनर में शेयर कर लिया जाएगा। तो ये क्या करना है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या को एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को क्या करना है, आपने शेयर करना है। तो पेज नंबर 17 ऑफ द चैप्टर, उसके अंदर ये एंट्री बता रहा है जर्नल्स ऑफ वाली पी एंड एल की, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन की बात और वर्कमैन कंपनसेशन वाली। और लॉसेज हो जैसे कि डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वैसे तो AS 26 के अकॉर्डिंग देर इज नो डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन प्रेजेंट सिनेरियो, कुछ नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है इमीडिएटली राइट ऑफ कर दो, आने वाले टाइम में बुक्स में से ये हट जाएगा या हट गया है अब काफी हद तक। एडवर्टाइजमेंट को राइट ऑफ करते रहते थे थोड़ा थोड़ा, तब तक असेट्स में पड़ा रहता था, वो कंसेप्ट खत्म होते जा रहे हैं। AS 26 में कह दिया है कि मत दिखाओ। कंपनी की बैलेंस शीट आप देखेंगे वहां भी कोई असेट साइड में एडवर्टाइजमेंट वगैरह को लिखने के लिए स्पेस नहीं है कोई, तो वो आने वाले टाइम में बुक्स में अपडेट हो जा रहा है। ठीक है, जो सीए लेवल के स्टूडेंट हैं उनकी बुक्स तो होगी अपडेट, लेकिन बीकॉम प्लस वन प्लस टू की बुक्स उतनी अपडेट उतनी जल्दी नहीं होती, तो वहां कई बार चल रहा है, धीरे धीरे वहां भी हटाना शुरू कर दिया है। चलो खत्म हो चुका है ये चीज, आगे से मिलनी बंद हो जाएगी बुक्स में। तो नीचे नोट है कि जर्नल्स ऑफ पी एंड एल का बैलेंस ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर ऑन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर, बांटे जाएंगे कुछ ना कहे तो भी। कंपनसेशन में एग्जाम्पल दे रहा है कि 5,000 का पड़ा है रिजर्व, 2 की लाइबिलिटी, तो बचा हुआ 3,000 क्या करो पार्टनर कैपिटल में बांट दो। एक्सेस है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का, जो बचा हुआ वो भी पार्टनर कैपिटल में बांट दो। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविडेंट फंड को नहीं बांटना, बिकॉज इट इज नॉट अ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, तो ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं, दैट्स व्हाई इट इज नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, इसे नहीं बांटा जाएगा। थोड़ा और क्लियर करने के लिए एग्जाम्पल नंबर 25 देखना, इस सारे को क्लियर करने के लिए पेज नंबर 18। सोनू मोनू जोनू, इनका सोनू मोनू जोनू का ओल्ड रेशियो क्या है 5:3:2। हमें क्या कह रहा है, जोनू जा रहा है फर्म से, रिटायर हो रहा है, क्या कह रहा है, इनकी बैलेंस शीट का स्टेटस क्या है, ओल्ड बैलेंस शीट, किसकी, सोनू मोनू जोनू की जो बैलेंस शीट है, नॉलेज के लिए बना रहा हूं, उसमें स्टेटस क्या है, उसमें कह रहा है जनरल रिजर्व कितने रुपए के पड़े हैं 30,000 के, ओके, उसमें कह रहा है पी एंड एल का डेबिट बैलेंस है, अच्छा लॉस है कितने रुपए का 15,000 का, ओके, फिर कह रहा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने रुपए का पड़ा है यहां, वो पड़ा है 50,000 का, लेकिन उसके अगेंस्ट लाइबिलिटी कितने की है, लाइबिलिटी ओब्लिगेशन 40 का हमें बता रहा है, ओब्लिगेशन 40,000 का, तो 10,000 रुपए तो फिर भी फालतू है, ठीक है। प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉइज का कितना पड़ा है, अभी बताया था ये एक जो है लाइबिलिटी है, ये प्रॉफिट नहीं, तो इसे बांटना नहीं। तो हमें कह रहा है जोनू की रिटायरमेंट जब हुई उस वक्त ये बैलेंस शीट में प्रॉफिट्स की पोजीशन है, इसका ट्रीटमेंट करो, जर्नलाइज करो। सबसे पहले जर्नल रिजर्व कितने रुपए का पड़ा है, जर्नल रिजर्व डेबिट कितने रुपए का 30, टू सोनू टू मोनू टू जोनू, मान लो सोनू
mono's capital to jono being journals of distributed bias in older ratio. सभी पार्टनर के ओल्ड रेशियो में जाने बांट दिए बस कितने रुपए 30 रेशियो क्या है 532 तो 3 × 5 = 13 9 और 6 बांट दिए फिर एंट्री नंबर 1 फिर आप एंट्री नंबर 2 ये लॉस है पी एंड एल का खत्म करो ये डेबिट साइड में है खत्म करने के लिए पी एंड एल अकाउंट को क्या करना पड़ेगा क्रेडिट कितने रुपए 15 ये बटेगा सोनू मोनू और जोनू की कैपिटल में किस रेशियो में ओल्ड रेशियो में ओल्ड रेशियो क्या है 5 3 2 में बटेगा तो ये 10 से करेंगे 15 × 5 = 75 45 और 3000 ये पी एंड एल का लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो गया फिर हमें कह रहा है वर्कमैन कंपनसेशन 50 का है लेकिन 40 देने पड़ेंगे तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने रुपए का है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो 50 का है इसके अगेंस्ट देने कितने पड़ेंगे वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी पड़ी रहेगी बैलेंस शीट में कितने रुपए 40 अभी फालतू वाला जो 10 जा रहा है वो सोनू मोनू और जोनू में बांट दो कितने रुपए बांट रहे हो ये 50,000 में से 40,000 रुपए तो इसके अगेंस्ट लाइबिलिटी बचा हुआ 10,000 तीनों पार्टनर में बांट रहे हैं किस रेशियो में ओल्ड रेशियो में 5 3 2 तो ये 5,000 ये मोनू में 3 और जोनू में 2,000 बांट दिया इस तरह बींग सरप्लस ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो इन पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांट दिया है बींग सरप्लस ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो बोलो कोई डाउट इस तरह से ये बांट दिया है एनी कंफ्यूजन और ये जो प्रोविडेंट फंड है 25,000 रुपए इसका नो ट्रीटमेंट इसका कुछ नहीं करना इट्स अ लाइबिलिटी इट्स अ लाइबिलिटी नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड इसके किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है बोलो कोई भी कंफ्यूजन कोई भी प्रॉब्लम इसमें इस तरह से क्वेश्चन नंबर 25 हो गया एग्जांपल 25 हो जाएगा पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है बस देखो रेशियो हम ऑलरेडी कर चुके हैं गुडविल का ट्रीटमेंट कर चुके हैं रीवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट कर लिया और प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लिया अब अगर एक साथ किसी क्वेश्चन में इनका यूज हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये सारी चीजें प्रैक्टिस में हम कर चुके हैं देखते इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 26 क्या कह रहा है कह रहा है एस टी यू आर पार्टनर इनका ओल्ड रेशियो क्या है 3:5 इनका रेशियो है गुडविल ऑलरेडी बुक्स में कितनी है गुडविल इन बुक्स कितने रुपए की गुडविल है क्वेश्चन ही लिख देता हूं मैं 50,000 ओके पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस बुक्स में कितने रुपए का पड़ा है पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस 30,000 का पड़ा है और हमें कह रहा है टी रिटायर हो रहा है फर्म से और उसकी रिटायरमेंट पे गुडविल की वैल्यूएशन ऑन ऑफ फर्म ऑन टीज रिटायरमेंट टी की रिटायरमेंट पे गुडविल की वैल्यू लगाई वो 1,00,000 रुपए सोल्व करके दे रहा है ठीक है हमें कह रहा है न्यू रेशियो 4:6 होगा एस का न्यू रेशियो 4:6 ओके तो आप देखो टी चला गया और इनका जो न्यू रेशियो है एस और यू का 4:6 तो आप मुझे बताओ गेनिंग रेशियो क्या होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो होता है तो आप यहां पे देखो एस का गेन कितना है 4/10 माइनस 3/10 1/10 और यू का गेन देखो कितना है यू का 6/10 माइनस 5/10 यानी 1/10 तो इनका गेनिंग रेशियो 1:1 ही है ओके ये अपन ने सोल्व कर लिया रेशियो
गुडविल में काम आता है। हमें कह रहा है कि आप जर्नलाइज करो इन सब ट्रांजेक्शन को, देखो सारे स्टेप कर चुके हम, गुडविल का ट्रीटमेंट करो, बाकी चीजें बाद में। गुडविल बुक्स वाली एग्जिस्टिंग गुडविल का क्या करते हो आप? कितने रुपए की एग्जिस्टिंग गुडविल? 50 इज टू बी रिटन ऑफ, टू बी रिटन ऑफ इन ओल्ड रेशियो, बांट दो किस किस में? STU डेबिट, डेबिट टू गुडविल अकाउंट, बुक्स से उड़ा दी जाती है वो गुडविल। कितने रुपए की? 50 किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ये पहले कर चुके हैं कंसेप्ट, बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटन ऑफ, एग्जिस्टिंग गुडविल रिटन ऑफ। ये 50,000 को आप ओल्ड रेशियो 3:5 में डिवाइड कर दो, 15,000, 10,000 एंड 25,000 राइट ऑफ कर दी ये गुडविल। ओके, देन आफ्टर जो गुडविल की वैल्यूएशन है, गुडविल वैल्यूड ऑन टीज रिटायरमेंट, टी की रिटायरमेंट पे फर्म की गुडविल कितनी वैल्यू लगाई गई? 1 लाख। इसमें जाने वाले का शेयर क्या है? टीज शेयर ऑफ गुडविल, टी का गुडविल में शेयर कितने रुपए का है? 1 लाख की फर्म की गुडविल है, उसमें टी का शेयर है 2/10 यानी कि 20,000। तो ये किसमें एडजस्ट करेंगे? ये गुडविल की एंट्री करेंगे टू टीज कैपिटल अकाउंट, टी की कैपिटल में 20,000 क्रेडिट, और इसका शेयर गेन करने वाले एस की कैपिटल में डेबिट होगा और यू की कैपिटल में डेबिट होगा। किस रेशियो में? ये गेनिंग रेशियो में होगा, 1:1। तो कितना? 10,000 और 10,000। देखो ये एंट्री हम बहुत पहले भी कर चुके हैं, सेकंड पार्ट में गुडविल का एडजस्टमेंट किया था, वो रिपीट हो गया। गुडविल का ओल्ड एग्जिस्टिंग गुडविल 50,000, ये जो थी बुक्स वाली वो क्या कर दी? राइट ऑफ। ये जो वैल्यू लगाई थी गुडविल 1 लाख फर्म की, इसमें से जाने वाले का शेयर टी का 2/10 है, देख लो 2/10 20,000, इसे क्या कर दिया? टी में क्रेडिट और एस और यू में एडजस्ट कर दिया, बीइंग शेयर ऑफ गुडविल ऑफ टी एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट ऑफ रिमेनिंग पार्टनर इन गेनिंग रेशियो। बस क्या किया? टीज गुडविल शेयर एडजस्टेड अमंग रिमेनिंग पार्टनर एस एंड यू इन गेनिंग रेशियो, तो वो गेनिंग रेशियो में एडजस्ट कर दिया। पी एंड एल में प्रॉफिट पड़े हैं 30, तो वो प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस खत्म करो। डेबिट कितने रुपए के? 30 तो ही खत्म होंगे। ये कौन सी साइड पर है? क्रेडिट, डेबिट होगा तो पी एंड एल खत्म होगा। टू किस किस में जाएगा? एस टी यू, किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। वो कितना है? 3:5, 3:5, 30, 10, 9,000, 6,000 and 15,000, कोई भी डाउट, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, लिखना है लिख दो इन ओल्ड रेशियो, प्रॉफिट बांट दिए, क्वेश्चन हो गया। तो ये इस तरह से गुडविल का एडजस्टमेंट भी कर दिया आपने, और जो वो प्रॉफिट्स थे वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, हमारा क्वेश्चन हो गया, कोई भी डाउट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 26 था ये। गुडविल का क्वेश्चन यूज कर लिया इसने, क्योंकि ऑलरेडी पढ़ चुके हैं गुडविल का ट्रीटमेंट हम, बस अब जो जो टॉपिक पढ़ चुके हैं, रीवैल्यूएशन भी कर चुके हैं, गुडविल का ट्रीटमेंट कर चुके हैं, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, रेशियो की कंपटीशन हो चुकी है चैप्टर में जो मेन पार्ट है, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो दे रहा है। ओके, हमें क्या कह रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 27 में, सूर्या चांद सितारा ये पार्टनर है, इनका ओल्ड रेशियो सूर्या चांद सितारा का 3:1 है। हमें कह रहा है गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल कितनी है? एग्जिस्टिंग गुडविल जो दे रहा है वो एग्जिस्टिंग गुडविल दे रहा है बुक्स के अंदर कितनी है? 15, अभी किया क्वेश्चन, डिवाइड कर देंगे। फिर कहता है चांद वॉन्ट्स टू गेट रिटायर्ड, चांद जा रहा है फर्म से, रिटायर हो रहा है, और कहता है कि गुडविल की वैल्यू कितनी लगी? गुडविल ऑफ फर्म वैल्यूड ऑन चांद रिटायरमेंट,
चांद की रिटायरमेंट पे गुडविल की वैल्यू कितनी लगी, 180। और हमें कह रहा है सूर्य और सितारा फ्यूचर में टू, न्यू रेशियो क्या इनका, इनका न्यू रेशियो होगा फ्यूचर में 2:1। गेनिंग रेशियो आपको निकालना है, तो गेनिंग रेशियो क्या होता है आपको पता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। आप देखो सूर्य का गेन कितना है, सूर्य का, सूर्य का ओल्ड न्यू रेशियो 2/3 माइनस ओल्ड रेशियो क्या है 3/6। सितारा का देखो, सितारा का गेन कितना है, सितारा का गेन है 1/3 माइनस 1/6। तो एलसीएम 6 लो तो 4-3 1/6, ठीक है। इधर भी एलसीएम 6 2-1 तो 1/6। तो ये गेनिंग रेशियो क्या गया, 1:1 ही इस क्वेश्चन में इनका गेनिंग रेशियो दिखता है। चलो और क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में रेशियो का भी काम खत्म हो गया, ठीक है, और गुडविल का बता दिया। आगे कहता है प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर, प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर आफ्टर चांद रिटायरमेंट, चांद की रिटायरमेंट के बाद प्रॉफिट कितने, 12,000 के। चलो तो ये सारे पॉइंट कर चुके हैं, एग्जिस्टिंग गुडविल को क्या कर दोगे आप, राइट ऑफ, सूर्या डेबिट, ये चांद डेबिट और सितारा डेबिट टू गुडविल। ये तो अपन, मैं स्पीडली कर रहा हूं क्योंकि एंट्री हम कर चुके हैं, अभी अभी किया है क्वेश्चन। कितने रुपए, 15। किस रेशियो में जाएगा ये, ओल्ड रेशियो 3:1 में, 1 to 75, 5,025 ये गई। अब देखो फर्म की गुडविल रिटायरमेंट पे, फर्म की गुडविल ऑन सीज रिटायरमेंट, किसी भी पार्टनर की रिटायरमेंट पे गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है, वो किया। इसमें चांद का शेयर कितना है, 180 में चांद का जो शेयर है वो देखो, चांद का शेयर 2/6, तो कितने रुपए, 60,000। इसको आप बांटो 60,000, चांद को तो क्या कर देंगे आप, चांद कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 60,000, और डेबिट करेंगे किसको, सूर्यास कैपिटल अकाउंट, और आप डेबिट करेंगे सितारास कैपिटल अकाउंट, और उनका न्यू रेशियो गिवन था, तो गेनिंग रेशियो निकल गया 2:1 था, उससे गेनिंग इक्वल आ गया, तो कितने कितने, 30 और 30, ये 30-30 इन दोनों में डिवाइड कर दिया हमने, क्लियर, कोई डाउट, इन दोनों में ये 30-30 शेयर कर दिया। उसके बाद, इसके बाद कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिख नहीं रहे, गुडविल की दोनों एंट्री हो गई, और आफ्टर चांद रिटायरमेंट, चांद की रिटायरमेंट के बाद जो प्रॉफिट है फर्स्ट ईयर का वो कितने रुपए, 12,000, तो वो कौन बांटेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट टू सूर्यास कैपिटल अकाउंट टू सितारास कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है वो बांट लेंगे कितने रुपए, 12,000। ये दोनों का साल भर काम चला है, तो ये दोनों पार्टनर का न्यू रेशियो 2:1, दोनों बांटेंगे 8,000 और 4,000। इज दैट क्लियर, 8,000 4,000 बांट लिया इस तरह से। ओल्ड गुडविल को कैसे राइट ऑफ करना है वो भी बात हो गई थी। इस तरह से अपना ये कंसेप्ट जो है इस चीज से क्लियर हो गया 27th क्वेश्चन में, ये कंसेप्ट था, ठीक। ट्वेंटी में भी गुडविल दे रखी है, रिवैल्यूएशन करवा रहा है, न्यू रेशियो गिवन है, उसके अकॉर्डिंग करके दिखा रहा है ये, ताकि ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो 28, 29 ये सब तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लासेस में आप इनको कवर करेंगे, ठीक है। तो ये अपना अब तक गुडविल का ट्रीटमेंट हो चुका है, रेशियोज हो चुके हैं, रीवैल्यूएशन हो चुका है, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को हम डिवाइड कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर आप इन चारों को यूज करके जो क्वेश्चंस है वो कवर करते हैं, प्लस पेमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर कैसे होगा, कभी तो उसे कैश देने को कहेगा, कभी उसका लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, वो सारे क्वेश्चंस आप, कैसे लोन अकाउंट ट्रांसफर होगा वो भी आप देखेंगे, कंप्लीट कैपिटल अकाउंट देखेंगे। तो यहां तक आप कर लो, नेक्स्ट क्लास में इसे कंक्लूड करेंगे, और ऑलरेडी 2 पार्ट्स इसके हो चुके हैं,
To watch all the classes of plus 1, plus 2 counting and economics, please subscribe our YouTube channel, or you can download our Play Store app named Commerce Classes by Goyal Institute to continue the whole syllabus of plus 1, plus 2 accounting and economics. तो वहां पे कुछ क्लासेस अवेलेबल भी हैं. टेस्ट सीरीज भी आपको क्या है, हम लोग प्रोवाइड करेंगे, आप साथ साथ अपना इवेल्यूशन कर सकते हैं. हमारे जो क्वेश्चंस कवर होंगे नोट्स में, उसको करके मार्केट में कोई भी बुक है आपके पास, कल्याणी पब्लिकेशन की, टीएस ग्रेवाल है उनकी बुक, डीके गर्ल बुक, सीबीएसई के जो या एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनके क्वेश्चन, एवरीथिंग कैन बी कवर. आप ये क्वेश्चंस कर लो, कुछ भी इसमें बैलेंस नहीं बचेगा करने लायक, सब कुछ कवर हो जाएगा. ठीक है, थैंक यू.